आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, गेहूँ को आज हम वर्णन करेंगे। ट्राइटिकम एस्टाइवम पोएसी फूल का प्लांट है। गेहूँ हम सब अपने दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं। भोजन का मुख्य घटक होता है। और गेहूँ के ज्वारा जो आप देख पा रहे हैं, 11 दिन की ये ग्रोथ है। और गेहूं के ज्वारे का उपयोग ब्लड कैंसर के ठीक करने के लिए उपयोग में आती है। ग्रीन ब्लड भी इसके जूस को हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पाया जाता है क्लोरोफिल, वो नेचुरल हेमोग्लोबिन को बढ़ाने का कार्य करता है। पित्त के जनित रोगों को निवारण का कार्य करता है। लंबे समय से अगर पित्त का डिसऑर्डर बढ़ा हुआ होता है तो अस्थमा भी कॉज करता है और आर्थराइटिस भी कॉज करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करते हुए फर्टिलिटी को भी कम करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स भी कॉज करता है। ट्यूमर्स भी कॉज करता है और विभिन्न प्रकार के स्किन के डिसऑर्डर्स को भी कॉज करता है। इतने डिसऑर्डर्स को ठीक करने का एकमात्र उपाय आप ही के घरों में साधारण रूप से जाने जाने वाला गेहूँ और गेहूँ के ज्वारे का रस। कितनी महान औषधि हो सकता है ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, अगर हम रेगुलरली ब्लड कैंसर के पेशेंट को अगर देना चाहते हैं तो हमें ऑर्गेनिकली इसको लगाना चाहिए और हमें हर 11वें दिन इसकी कटिंग करके इसके जूस को बना लेना चाहिए। क्रम इस प्रकार होना चाहिए कि जैसे ही आप इस ट्रे को खाली करें, अगले दिन के लिए फिर इसको आप लगा दीजिए, ताकि आपका जो क्रम है वो छूटे ना। आप 11 ट्रे लाइए और वन बाय वन करके इनको ग्रोथ करते जाइए। डेली ट्रे को हार्वेस्ट कीजिए, सेम डे उस ट्रे को लगा दीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। कन्फ्यूज करने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों, लग्जिटिव का भी कार्य करता है, पेट को साफ करने का कार्य करता है, नेचुरल ब्लड को प्योरिफिकेशन का कार्य करता है, ब्लड के डिसऑर्डर्स को ठीक करने का कार्य करता है। फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटीज़ के अंदर होती है, ब्रेन की मेमोरी को भी बढ़ाने का ही कार्य करता है। गेहूं का ज्वारा वंडरफुल रेमेडी है शरीर के टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, हेल्दी लाइफ आपको देने के लिए। एनीमिक कंडीशन हो उसको भी ठीक करता है। मात्रा का विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा में एकदम नहीं पीना चाहिए। अगर आपकी प्रकृति कफ प्रधान है या वात प्रधान है तो ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें, आपको मसल स्पाज्म हो सकता है, पेन हो सकता है। या फिर कफ का अगर व्यक्ति है, कफ प्रकृति का व्यक्ति है, तो कंजेशन भी हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रकृति काफ़ी ठंडी होती है, ठंडाई करता है। पित्त प्रकृति के लोगों के लिए एकदम बॉडी के अकॉर्डिंग सूट कर जाता है, लेकिन वात और कफ वालों को कम मात्रा से स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे जब उनकी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाती है तब वो मात्रा इसकी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, सर्दियों में इसको कम मात्रा में लेना चाहिए। और तीसरा, अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज से गुजर रहे हैं तो उस समय इसका सेवन ना करें, ये बॉडी एक कॉज कर सकता है, क्योंकि प्रकृति ठंडी होती है, तो उस समय इसको बंद कर देना चाहिए। 10 से 15 ml एक दिन में पर्याप्त होता है। 10 से 15 ml आप इसका फ्रेश जूस बनाकर सेवन कर सकते हैं। जूस बनाने के बाद इसको रखना नहीं चाहिए, आपको फ्रेशली बनाना चाहिए और इसको एडमिनिस्टर कर लेना चाहिए, इसको पी लेना चाहिए। इसके स्प्राउटिंग स्टेज में जो नीचे सीडलिंग्स आप देख रहे हैं, इन सीडलिंग्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करके और इसको प्रेस करके इसके जूस निकालते हैं तो वाइटिस फ्लूडिस जो जूस होता है उसको आप चेहरे के ऊपर लगाएंगे तो चेहरे के पिंपल्स को ठीक करने का कार्य करता है। एंटी रिंकल एक्टिविटी इसके ग्रेन से निकलने वाले दूध की होती है और न्यूट्रिशन का तो भंडार होता ही है, कई प्रकार के अमाइनो एसिड्स उसके अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, इन सब का एक वंडरफुल सोर्स है। आपको गेहूँ की अगर आप रोटियाँ बना रहे हैं तो जो उसका चोकर बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं, उस चोकर का भी अगर आप डिकॉक्शन बनाकर सेवन करते हैं तो सभी प्रकार के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स ठीक हो जाते हैं। अल्सर की समस्या हो वो भी ठीक हो जाती है, रक्त पित्त की समस्या हो ठीक हो जाती है,
और खट्टी खट्टी डकारें जो आपको आती हैं उनसे भी आप निजात पा सकते हैं। उस चौकर को आप फेंकिए नहीं, एक चम्मच चौकर का लेकर एक गिलास पानी में उसका काढ़ा बनाइए, ठंडा होने के बाद आप उसको पी लीजिए। आप देखेंगे कई प्रकार के डाइजेस्टिव कॉम्प्लेंट्स आपके आसानी से ठीक हो जाते हैं। तो आज आपने जाना कि गेहूं का ज्वारा, गेहूं के सीडलिंग्स, उसका चौकर और गेहूं का आटा तो हम उपयोग में लाते ही हैं एज अ फूड आइटम। मित्रों, गेहूं ग्लूटेन फ्री तो नहीं है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अगर पेशेंट होते हैं तो गेहूं उनको नहीं बताया जाता, लेकिन इसी का अगर चोकर का डिकॉक्शन बनाकर सेवन करते हैं तो वो फ़ायदेमंद होता है और इसको आप घरों में गमलों में आसानी से लगा सकते हैं। मित्रों, आप चैत्र मास के नवरात्रे करते हैं या फिर आप हरेला मनाते हैं या फिर आप अश्विन मास के नवरात्र करते हैं तो उन सब में हम ये लगाते हैं घर की खुशहाली के लिए, अच्छे समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। ज्वारे का रस आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, अपनी हेल्थ के संरक्षण के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। ये डिवाइन प्लांट तो है ही और होलिस्टिक हेल्थ कंजर्वेशन के लिए उपयोगी है। आप इसको घरों में गमलों में अच्छे बेनिफिट्स के लिए लगा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 6:30 बजे वाली आने वाली जानकारी को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।